अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहज़ेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो सैमसंग की ए सीरीज़ के जो स्मार्टफोन है जिसके अंदर सैमसंग गलेक्सी A51 और सैमसंग गलेक्सी A31, अब ये दोनों स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं पाकिस्तान के अंदर। अब इन दोनों स्मार्टफोन का न्यू मॉडल सैमसंग लॉन्च करने जा रहा है बहुत ही जल्द, जिसके अंदर हमें सैमसंग गलेक्सी A52 जिसकी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। और रह गया सेकंड जो है सैमसंग गलेक्सी A32, जिसके बारे में आज की कंप्लीट वीडियो होगी सैमसंग गलेक्सी A32 के बारे में, यानी कि इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स वगैरह स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती हैं, और इसके अलावा इसको कब तक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा, और जो इसकी प्राइस है, जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो क्या हो सकती है। तो अगर आप इसका वेट कर रहे हैं सैमसंग गलेक्सी A32 का और आप इसको बाय करना चाहते हैं, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की, तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हमें चेंज देखने को मिलेगा सारे ही ए सीरीज के स्मार्टफोन में। तो बैक साइड हमें सिंपल इसकी देखने को मिल जाएगी, और इसके अंदर हमें कैमरा मॉड्यूल नहीं देखने को मिलेगा। बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप रखा गया है, लेकिन उसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो नहीं है। इसके जो कि बैक कैमराज हैं वो इसकी बैक पर ही हमें देखने को मिल जाएंगे विदाउट कैमरा मॉड्यूल, और उसके साथ ही हमें जो LED फ्लैश लाइट है इसकी वो देखने को मिल जाएगी, और नीचे वाली साइड पे हमें सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सिंपल है और यूनिक है, और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और इसकी जो बैक साइड है वहाँ पे हमें ग्लास प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलेगी, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की जो इसकी बैक है वो देखने को मिल जाएगी। फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पर हमें पंच होल नहीं देखने को मिलेगा। 2021 के अंदर भी यहाँ पर हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। और इसके डिस्प्ले साइज़ की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले हैं सैमसंग के वो होते भी बहुत ही अच्छी हैं, कलर्स वगैरह उसके अंदर काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। इसके अलावा रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें फुल HD+ की रेजोल्यूशन देखने को मिलेंगी, यानी कि 1080p x 2400 pixels की। तो 1080p कंटेंट आप इसके अंदर एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि एक स्टैंडर्ड जो एस्पेक्ट रेशियो होता है इसके अंदर वो देखने को मिल जाएगा, और 405 PPI की पिक्सल डेंसिटी भी देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले इसका जो है काफ़ी शार्प होने वाला है, पंची कलर्स एक्यूरेट कलर इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले वाले मामले में ये स्मार्टफोन हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, किसी किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं आपको फेस करने में नहीं आएंगी। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें प्रोसेसर जो देखने को मिलेगा एक 4G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लेकिन ग्लोबली इसको जो लॉन्च किया जाएगा वो 5G प्रोसेसर के साथ होगा, जो कि है MediaTek का Dimensity 720। अब ये जो प्रोसेसर है 5G प्रोसेसर है, 7 nm के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, और एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ हमें Mali G57 का GPU देखने को मिल जाएगा, तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होने वाली है गेम्स के अंदर भी, और मल्टीटास्किंग में भी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन ये तो ग्लोबली लॉन्च होगा, पाकिस्तान के अंदर 4G जो वेरिएंट है इसका लॉन्च होगा उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया। मे बी इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 662 देखने को मिल जाए, या फिर 720G। तो 720G तो मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो हमें A52 के अंदर देखने को मिलता है। तो 90-80% चांस है कि इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 662 ही देखने को मिले। बाकी आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर हो सकता है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इस मोबाइल फ़ोन के वेरिएंट्स की, तो ग्लोबली इसके 3 वेरिएंट्स लॉन्च होंगे, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, और 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। तो लेट्स सी पाकिस्तान के अंदर कौन सा आता है, मेरा ने ख्याल के तीनों आएंगे, यहाँ पे कोई सा एक वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर हमें EMMC 5.1 की स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है, थोड़ा आपका यूजेज है वो आपको थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो रीड राइट स्पीड है वो काफ़ी कम होने वाली है। तो यहाँ पे UFS 2.1 लगानी चाहिए थी, क्योंकि 2021 के अंदर UFS 2.1 तो मस्ट है, क्योंकि जो ऐप्स हैं वो भी हैवी हो गई हैं और लोड होने में काफ़ी टाइम लगाती हैं, तो यहाँ पे नहीं दी गई। लेट्स सी के मे बी दे दी जाए UFS 2.1। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ली जाए इस मोबाइल फ़ोन के कैमरास की, तो बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप का जो यूनिक सेटअप है उसके अंदर हमें मेन सेंसर 48 MP का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो शार्पनेस है, पिक्चर्स का साइज़ है, काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसी तरह सेकंड सेंसर 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, और जो बाकी दो सेंसर्स हैं उनके अंदर 5 MP का मैक्रो सेंसर और 5 ही MP का हमें डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी बात है सैमसंग की तरफ से कि इसके अंदर हमें 2 MP के जो फारिक से सेंसर्स होते हैं वो नहीं दिए गए, यहाँ पे बढ़ा दिया गया है 5 MP। तो आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ी बहुत बेहतर देखने को मिल जाएगी। इसी तरह फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पर जो वाटर ड्रॉप नॉच है उसके अंदर हमें 20 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। तो सेल्फीज़ भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी आने वाली हैं,
इसके अलावा इसके अंदर हमें 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग के सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी, और जो स्लो मोशन हैं वो भी हमें 240 FPS तक के देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर 960 FPS नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ 240 FPS तक के जो स्लो मोशन हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो कैमराज वाली साइड से भी हम कह सकते हैं कि हमें बिल्कुल अच्छा देखने को मिल जाता है, अच्छी कैमरा क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसका जो बैटरी है, इसके अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 5000 mAh की है, जो कि स्टैंडर्ड है आजकल के लिहाज से, हमें बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिल जाती है। लेकिन जो फास्ट चार्जिंग है वो हमें सिर्फ 15 वाट की देखने को मिलेगी। यहाँ पे एटलीस्ट 30 वाट की तो मस्त ही, क्योंकि इस रेंज के अंदर हमें 30 वाट 25 वाट ऐसे हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे 25 वाट या 30 वाट की होनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर हमें 15 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, और इसके अलावा टाइप सी की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। तो बैटरी वाली साइड से भी यह स्मार्टफोन हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाता है, बस फास्ट चार्जिंग यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाकी ओवरऑल हमें ठीक देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस। इसके अलावा यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो फ्रंट साइड पे नहीं देखने को मिलेगा, सुपर एमोलेड यानी कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं लगाया गया इसके अंदर। इसके अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अंडर डिस्प्ले लगाना चाहिए था, क्योंकि A31 के अंदर भी हमें जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि मे बी अंडर डिस्प्ले इसके अंदर लगा दिया जाए, क्योंकि लीक्स और रूमर्स में तो साइड माउंटेड है, तो देखते हैं जब लॉन्च किया जाएगा। तो हो गई कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस मेरे ख्याल से यहाँ पे। बाकी कोई भी चीज़ मिसिंग है आपके बारे में, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बात कर लीजिए यहाँ पे इसका लॉन्च डेट की, तो इसका जो लॉन्च है जनवरी में तो नहीं है, क्योंकि जनवरी के अंदर हमें S21 सीरीज देखने को मिलेगी सैमसंग की, तो सारा फोकस सैमसंग का उसकी तरफ ही होगा। तो इसका जो लॉन्च है हम फरवरी के एंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या मार्च के स्टार्ट में, तब तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।